नमस्कार, इंडिया न्यूज पंजाब के ई बिजनेस अधिवेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। कोविड काल के दौरान कई सारी दिक्कतें इंडस्ट्रीज को आई हैं, व्यापार में कई सारी परेशानी का सामना व्यापारियों को कारोबारियों को करना पड़ा है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे अपने बिजनेस ई अधिवेशन में और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरीके की परेशानियां इंडस्ट्रीज में आई और कैसे उनसे पार पाते हुए अब स्थिति है और आगे किस तरह की और उम्मीदें व्यापार को हैं। तो हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ कुलभूषण गोयल हैं जो कि माफ कीजिएगा, हमारे साथ आर एस सचदेवा हैं जो कि एमडी हैं हाईटेक इंडस्ट्रीज मोहाली एंड मेंटर पंजाब स्टेट चैप्टर के। बहुत स्वागत है आपका सचदेवा साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपके ऑक्सीजन प्रोड्यूसर हैं आप और कोविड के दौरान जरूरतमंदों को फ्री ऑक्सीजन आपकी ओर से बांटी गई है। तमाम जो जरूरतें ऑक्सीजन को लेकर लोगों को थी उनको आपने पूरा किया है। हमारे साथ जगजीत सिंह कोचर हैं जो कि पूर्व जनरल सेक्रेटरी हैं मोहाली इंडस्ट्रीज एंड एसोसिएशन के। देश में गंदा पानी साफ करने वाली नैनो बबल टेक्नोलॉजी लाने वाले केबीके ग्रुप के आप मालिक हैं और साथ ही इनकी मशीनें पंजाब सरकार ने फाजिलका में भी लगवाई हैं। तो आप दोनों का बहुत स्वागत है हमारे इस अधिवेशन में। सबसे पहले शुरुआत सचदेवा साहब आप ही के साथ में कर रहा हूँ। कई सारी दिक्कतें हम लोगों ने देखी हैं कोविड काल के दौरान में, कई सारी परेशानी आप लोगों को झेलनी पड़ी हैं। अभी की स्थिति क्या है और किस तरह से इन चुनौतियों को पार पाते हुए इन चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए आप लोग आगे बढ़े हैं? थैंक यू वेरी मच, आपने हमारे को पैनल में लिया। जी देखिए, बात यह है कि पिछले करीब 15-16 महीने से जो सिचुएशन चल रही है जिसमें कभी लॉकडाउन होता है कभी लॉकडाउन खुल जाता है, तो नॉर्मलेसी तो नहीं हुई है अभी तक। हमारी जो भी इंडस्ट्रियां हैं उसमें हमारे को बहुत मतलब अनप्रेसिडेंटेड सिस्टम देखने को मिले हैं मेरे 40 साल के एक्सपीरियंस में, कि कभी इंडस्ट्री को बंद करना पड़ रहा है, कभी रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा है, कभी हमारे को हमारा फंड फ्लो नहीं है, कभी हमारे को लॉकडाउन की वजह से मटेरियल भेजने में लाने में मुश्किलें आ रही हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंस है जो कि नो डाउट ये एक ऐसी टाइम है जिसमें कोई हेल्प भी नहीं कर सकता एक्सेप्ट जो गवर्नेंस है जो गवर्नमेंट्स हैं वो हमारी सपोर्ट करें, बट बहुत ही मुश्किल और डिफिकल्ट टाइम देखा है हमने, देख रहे हैं। और मैं कहता हूँ कि इस काल के दौरान अगले 4-6 महीने में जो इंडस्ट्री सरवाइव कर गई जी वो तो चल जाएगी, और जो नहीं सरवाइव कर पाई जो नहीं है प्रेशर झेल पाई उनको अपने आप को बंद करके मतलब एक कह लो ये अपने आप को एनपीए हो गए या फैक्ट्रियां बंद हो गई या कुछ ऐसा सिचुएशन बन जाएगी जो कि कोई भी हेल्प नहीं कर पा रहा किसी की, और कोई ऐसी ऐसी सिचुएशन भी नहीं दिख रही कि उनकी सर्वाइवल का कहीं कहीं से समाधान मिलने के आसार। ठीक है सर, आप मेरे साथ बने रहिए, आपके साथ और भी आगे मैं चर्चा करूंगा। कोचर साहब आपसे मैं समझना चाहूंगा किस तरह से आपने इस अभियान को सफल बनाया, क्योंकि पानी एक ऐसी जरूरत है देश की, साफ और स्वच्छ पानी जिसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता है। ऐसे में जब आपकी ओर से ये प्रयास किया गया, ये पहल की गई है और सरकार ने भी आपको प्रमोट किया है, तो किस तरह से आपने इस अभियान को सफल बनाया और कैसे आप यहाँ तक पहुंचे हैं और अभी की स्थिति आप क्या कुछ देख रहे हैं? जी फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। वी आर वर्किंग ऑन नैनो बबल टेक्नोलॉजी, ऑलमोस्ट 3 साल से हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं, और ये जब हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने क्लेरियन कॉल दी थी कि अगली जो समस्या है वो पानी के ऊपर, जिसमें वर्ल्ड वॉर की भी बात शुरू हुई थी, तो हमारे ग्रुप ने ये तय किया कि हम ये रिसर्च करें दुनिया इस वाटर क्राइसिस के लिए क्या क्या एफर्ट्स कर रही है। एंड देन वी आइडेंटिफाइड दैट जापान, कोरिया एंड अमेरिका, ये 3 कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने नैनो बबल टेक्नोलॉजी को मास्टर किया है और वो आज की डेट में दुनिया की मोस्ट एफिशिएंट एरिएशन सिस्टम है, जिससे कि एक सस्टेनेबल वाटर क्लीनिंग प्रोसेस वेदर इट इज सीवेज एफ्लुएंट हर चीज में इसका इस्तेमाल हो सकता है। सो हम ये टेक्नोलॉजी पर हिंदुस्तान में हमने खुद डेवलप की और 2019 से हम इसकी टेस्टिंग पे लगे हैं। ये हमारे साथ हिंदुस्तान की जो लीडिंग रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं
वो भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और हम सब ने मिलके ये 2019 अक्टूबर ऑनवर्ड्स वेदर इट इज पूसा इंस्टीट्यूट, वेदर इट इज एक्वाकल्चर फार्म, पोल्ट्री फार्म, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन, सीवेज बोर्ड, इंडस्ट्री, हमने इस कोविड की महामारी के दौरान भी सरकार ने हमारी बड़ी मदद की और जगह जगह हमारी मशीनें चलती रही। सो एक इसको मैं इस रूप में अगर देखूं कि पूरे समाज का इस बारे में एक सेंसिटाइज होना और सरकार का सीरियसली इस टेक्नोलॉजी में हमारे साथ पार्टिसिपेट करना, ये मैंने महसूस किया कि इस पेंडेमिक ने हम सब की एक अवेयरनेस जो इन्वायरमेंट के प्रति जागृत की है वो उसका एक उदाहरण है। अभी रिसेंटली हमारी मशीनें एक 8 MLD प्लांट, नॉर्मली क्या होता है कि 1 MLD प्लांट के लिए कम से कम 2 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट आती है अगर सीवेज प्लांट लगाएं, और जबकि हमारी मशीन केवल 50 लाख रुपए की है और उस 50 लाख रुपए की मशीन से हम 8 MLD का प्लांट वो हम उसको ट्रीट कर रहे हैं। और इसकी खूबसूरती ये है कि जब हम एक सीवेज को ट्रीट कर लेते हैं तो वो 5-6 महीने फिर हमारी मशीन की जरूरत नहीं है, वो नैनो बबल्स वहां पर स्टे करते हैं और उसकी ट्रीटमेंट कंटिन्यू करते हैं। हमारा मिशन है कि हिंदुस्तान में जब से ये वाटर बॉडीज हैं, जिसे हम तालाब कहते हैं, छप्पड़ कहते हैं, ये गांव-गांव में जो हैं वो सारे के सारे, जब से हमने धरती से पानी निकालना शुरू किया तो हम अपनी उस धरोहर को जो एक नेचुरल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम था हमने उसको बर्बाद कर दिया। आज किसी भी विलेज के अंदर जो तालाब है वो बहुत ही बुरी हालत में है, वहां पे सीवेज गिर रहा है, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो उसमें हमारा एक भागीदारी इस समय पंजाब में 10,000 पाउंड है, पूरे हिंदुस्तान में 3 लाख से ऊपर पाउंड है, जिनकी हम अब एक AMC लेते हैं जिसमें हम अश्योर करते हैं कि पूरे 1 साल हम आपके पाउंड को क्लीन करके रखेंगे और उसके चारों तरफ एक ब्यूटिफिकेशन का प्रोसेस ऑन हो सकता है। ये मेरी उम्र है 65 साल की, 65 साल की उम्र में मेरा ये पे बैक पीरियड है सोसाइटी के लिए और इसी मिशन में मैं लगा हुआ हूँ। थैंक यू सो मच जी। बिल्कुल, क्योंकि पानी को लेकर बड़ी सारी बातें कोचर साहब हैं भी, और पानी एक ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और शुद्ध पानी सबसे ज़्यादा आवश्यक है लोगों के लिए है, क्योंकि पानी के जरिए ही कई सारी बीमारियां भी जन्म लेती हैं। और कोविड काल के दौरान स्वच्छता का ध्यान किस तरह से हम लोगों ने रखा या फिर हम लोगों को प्रेरित और जागरूक करते रहे, ये सबने देखा भी। लेकिन सचदेवा जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, और किस तरह की परेशानियां कोविड के दौरान आपको देखने को इंडस्ट्रीज में मिली है, और फिलहाल तौर पर क्योंकि अलग अलग सेक्टर्स में हम बात करें तो किस तरह की मुसीबतों का सामना आप लोगों को करना पड़ रहा है, पोस्ट कोविड की हम बात करें, कोविड के बाद की हम बात करें, तो और किन चीजों से जरूरत है आपको उभरने की अभी? सर देखो, रॉ मटेरियल जो है हर इंडस्ट्री का वो इतना एब्जॉर्बिटेंट ऊपर चला गया, बेसिक स्टील से लेके आप मेटल्स की बात करो, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, ब्रास है, जिंक है, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड इंडस्ट्रियां बंद पड़ी थी, डिमांड कम थी, फिर भी इतनी ज्यादा मतलब हाइप हुई है। अगर कॉपर 5500 रुपए केजी था तो वो 10,500 रुपए केजी हो जाना, चाहे वो इंटरनेशनल रेट्स हैं, बट मतलब इतने रेट बढ़ने कोई इंडस्ट्री कैसे अपने आप को सरवाइव कर सकती है। फिर हमारे को लॉजिस्टिक इशू सबसे बड़े आए हैं, जो कि इंटरनेशनल इंपोर्ट्स में या एक्सपोर्ट में, स्पेशली इंपोर्ट में मटेरियल को लाने के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल इस टाइम फेस करनी पड़ी। कंटेनर नहीं मिल रहे, शिप ओवरलोडेड चल रहे हैं, पोर्ट्स में जगह नहीं है, क्योंकि ये पूरा एक डिफरेंट टाइप का लाइफस्टाइल हो गया, लोगों की जरूरतें चेंज हो गई, लोगों की एक डिमांड अलग तरह की निकल आई, वर्क फ्रॉम होम कल्चर ने एक ऐसा सिस्टम कर दिया कि हर एक को घर में अलग से चीजें चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक चाहिए, नए नए इंस्ट्रूमेंट चाहिए, किचन की चीजें चाहिए, घर के सारे उनको कम्फर्ट्स विद इन होम चाहिए, जो कि आगे वो बाहर यूज करते थे, घरों में रहते ही कम थे, तो उन चीजों की डिमांड ने वर्ल्ड वाइड कुछ ऐसी डिमांड्स क्रिएट कर दी, ऐसी चीजों की रिक्वायरमेंट क्रिएट हो गई जिससे
ये सारे जो लॉजिस्टिक्स हैं या जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, जो ऐसी चीजें हैं जिसकी रिक्वायरमेंट इतनी ज्यादा नहीं होती थी, वो कंट्रीज, बाकी कंट्रीज है, यूरोप ने, अमेरिका ने इतनी ज्यादा डिमांड शुरू होगी कि ये सारा इशू क्रिएट हुआ। अब इंडिया में अगर हम कोई डॉलर कह लो भी लाते थे कंटेनर, वो 600 से 800 डॉलर में आता था, अब वो चाइना से आता है 4200 से 5000 डॉलर के बीच में। तो डॉलर भी ऊपर चला गया और रेट भी ऊपर चला गया, और फिर अवेलेबिलिटी नहीं है, कहीं कौन सा शिप में मटेरियल लोड होगा कंटेनर के नहीं होगा, ये भी अनसर्टेनिटी है। जो चीज हम 25 दिन में अपने घर लाते थे वो हम ढाई ढाई महीने नहीं आती है। तो ये सारी एक चेन और एक पूरा कह लो भी कनेक्टिविटी खत्म हो गई, और ऊपर से हमारे को लोकल लॉजिस्टिक इश्यूज भी आए। लोकल लॉजिस्टिक्स में हमारे को गाड़ियां जानी आनी, उसकी चेकिंग होनी, उसके पास कर्फ्यू पास हो, उसके पास ये हो, पुलिस रोक लेगी, पुलिस जाने नहीं देगी, आप गाड़ियां चला क्यों रहे हो, ड्राइवर को अलाउड नहीं है इंटरस्टेट जाना। तो ये सारे सिस्टम ने एक नया मोड़ दे दिया इंडस्ट्री को, एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को। तो मैं कहता हूँ इन हाउस जो प्रॉब्लम्स हैं ही हैं, वो तो हैं, हमारी फैक्ट्री के अंदर क्या प्रॉब्लम है, हमने अपनी प्रोडक्टिविटी के लिए लेबर कैसे अरेंज करनी है, उनको गाँव भेजना है नहीं भेजना है, उनको रोक के रखना है, कोरोना के जो इश्यूज थे उनको, जो सेफ प्रोडक्शंस के इशू थे, डिस्टेंस पे लेके चलना है, बिठाने में, काम करने में, ये सारी चीजें ना मतलब कह लो भाई हमने मैनेज करी हैं, लेकिन हम सरवाइव करते करते भी बच नहीं पाए। आज की तारीख में भी हमारे लिए बहुत बड़े बड़े थ्रेट्स हैं कि ये फैक्ट्री चलेगी कि नहीं चलेगी, और हमारा फिर भी ये वैल्यू चेन सारी सेट बैठेगी कि नहीं बैठेगी। तो ये हम ये समझते हैं भाई गवर्नमेंट ने भी जो सपोर्ट करनी है कर रहे हैं, उसमें भी हमारे को कुछ मेरे को नहीं लग रहा कि कहीं हम कहीं कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं या कुछ मिल सकता है इंडिया में, जो कि बाहर वर्ल्ड वाइड हर कंट्री में गवर्नमेंट ने इंडस्ट्री को, इंडिविजुअल को सपोर्ट करी है। अमेरिका ने अगर मैं बात करूं तो जो पहले पैसे दिए लोगों को फर्स्ट टाइम एज पर देयर रिक्वायरमेंट, वो कह के दिए कि आप यू हैव टू पे बैक, बट वंस दे सॉ कि ये पैसे अभी लॉकडाउन लेट हो ही जा रहा है और अभी टाइम लगेगा और ये इंडस्ट्री को या लोगों को सर्वाइव करना मुश्किल है, तो उन्होंने वो वेवर दे दिया, उनको मैसेज आ गए, मेल आ गई सबको कि यू दिस योर मनी हैज बीन वेव्ड। वेयर एज हमारे यहाँ पे अगर किसी ने कोई लोन दिया कि आपका टर्म लोन का 20% आपको पैसे मिलेंगे आप रख लीजिए, और उसका फिर इमीडिएट इंटरेस्ट शुरू हो गया, और विद इन वन ईयर जब कोरोना खत्म भी नहीं हुआ अभी इंडस्ट्री चली नहीं है तो उसका पे बैक शुरू हो गया। सो हाउ कैन वी हैव एनी एक्सपेक्टेशन ऑफ सर्वाइवल in this country at this time. This is what I want to say. ठीक है, ये बड़ी बातें आपकी ओर से बताई गई हैं सचदेवा साहब, क्योंकि कई सारी दिक्कतें सब लोगों ने हमने देखी हैं किस तरह से आप लोगों को मुसीबत का सामना भी करना पड़ा, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि इन सभी मुसीबतों को पार पाते हुए हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, और आगे जागरूकता और कड़ाई की आवश्यकता भी है। लेकिन कोचर साहब, आपकी जो टेक्नोलॉजी है उसको बढ़ाने के लिए आप और क्या कर रहे हैं, उसके विस्तार के लिए और क्या कुछ काम किया जा रहा है, क्या फाजिल्का के बाहर पंजाब के और शहरों में या पंजाब के बाहर हमें ये टेक्नोलॉजी और देखने को मिलेगी, क्योंकि पानी की सफाई, पानी की स्वच्छता को लेकर ये सबसे बड़ी चुनौती रहती है। जी, आई थिंक द बिगेस्ट चैलेंज इज कि हम सरकार को ये कन्विंस कर सकें कि ये टेक्नोलॉजी इफेक्टिव है। मेरी मशीनें कई डिपार्टमेंट्स ने चेक की और उसके रिजल्ट्स भी गवर्नमेंट लैब में टेस्ट हुए, लेकिन कोई भी डिपार्टमेंट सामने नहीं आया कि वो ये इसको एक अप्रूव टेक्नोलॉजी के रूप में उसको अप्रूव कर सके। सो दिस द बिगेस्ट चैलेंज इज गेटिंग, बिकॉज ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज, वेदर दीज आर वाटर बॉडीज और द सीवेज ट्रीटमेंट, ये सारी गवर्नमेंट की एजेंसीज एग्जीक्यूट करती हैं। तो बिगेस्ट चैलेंज इज टू make them aware
कि ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है। मुझे एक और चैलेंज उसमें ये नजर आ रहा है कि जब ये बड़े बड़े 5 करोड़ 6 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट लगाते हैं सीवेज ट्रीटमेंट के, तो उसमें कई लोगों का भला होता होगा उस सिस्टम के अंदर। हमारी मशीनें बहुत सस्ती हैं तो उसमें किसी का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट जनरेट नहीं होता, ये भी एक सच्चाई है। सो ये एक चैलेंज है ग्लोबली। हमें इक्वाडोर से, स्पेन से, कुवैत से, कुवैत में उन्होंने 110 किलोमीटर पे 1000 मशीनें उन्होंने लगानी है। दे आर वेटिंग फॉर द ओपनिंग ऑफ दिस द मूवमेंट, इंटरनेशनल मूवमेंट। सो अवेयरनेस अब्रॉड इज टू मच, दिस इज वन। एक और जो चेंज मैं देख रहा हूँ रिसेंटली, आई गॉट ए कॉल फ्रॉम द एसोसिएशन, टेक्सटाइल एसोसिएशन ऑफ तिरुचूर, और उन्होंने बोला कि वो उनको अमेरिकन बायर्स ने ये बोला है कि आप नैनो वोबल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे तो हम आपसे सामान खरीदेंगे, और उसके लिए उन्होंने मेरा रेफरेंस, मतलब अमेरिकन कंपनीज ने मेरा रेफरेंस दिया उन कंपनीज को, एसोसिएशन को, जिसमें उन्होंने हमें कॉन्टैक्ट किया। इसी तरह से टैनर्स एसोसिएशन कलकत्ता, उन्होंने मुझे कॉन्टैक्ट किया, उनको यूके की कंपनीज ने जो उनके बायर्स थे उन्होंने बोला। सो आई थिंक अ लॉट ऑफ इंटरनेशनल प्रेशर इज बिल्डिंग वेयर बाय आई थिंक देयर विल बी अ मूवमेंट। ये बहुत काम होने वाला है, इट इज द मोस्ट, इसके कई सेक्टर्स में एप्लीकेशन है। हम एक तरफ बात करते हैं ब्लू रिवोल्यूशन की, ब्लू रिवोल्यूशन में वी नीड टू मेंटेन द वाटर क्वालिटी ऑफ द पॉन्ड, और ये उसमें बहुत ही ज्यादा सहायक, 40% प्रोडक्शन इंक्रीज होती है इफ यू यूज नैनो बबल्स फॉर ट्रीटमेंट ऑफ पॉन्ड्स। ऐसी बहुत सी चीजें एग्रीकल्चर के अंदर, हमारे फार्मर्स भाई जो अभी बॉर्डर पे बैठे हैं वो प्राइस के बारे में बात करते हैं, जबकि हमारी नैनो बबल टेक्नोलॉजी से अगर वो इरिगेशन करें तो उनके प्रोडक्शन में 25% बढ़ावा होता है। सो आई थिंक दीज टेक्नोलॉजी इंटरवेंशंस, द बिगेस्ट चैलेंज इज to convince research organizations to take them on board, to convince the government on board. So it's an exercise we are working around. मुझे 2 साल हो गए, ये पहला मुझे जो कॉन्ट्रैक्ट मिला है पंजाब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से, जो मैं अभी फाजिल्का में लगाया है, जबकि हमारी बातचीत दिल्ली सरकार से, हरियाणा सरकार से, सब जगह चल रही है। इट इज इन द प्रोसेस। ठीक है कोचर साहब, आप बने रहिए। सचदेवा जी, मैं चाहूंगा आप ये भी बताएं सर, अभी आपको किस तरीके की उम्मीदें हैं, चाहे हम सरकार से बात करें या इंडस्ट्री के लिहाज से, तमाम जो जरूरतें आप लोगों की होती हैं उस लिहाज से बात करें, किस तरह की उम्मीदें आप लोगों को अभी हैं और आने वाले वक्त में और किस तरह की चुनौतियां आपको नजर आ रही हैं, क्योंकि थर्ड वेव का भी अभी जिक्र हो रहा है, अंदेशा थर्ड वेव का है। अगर वो आती है तो फिर से लॉकडाउन जैसी स्थिति ना बने, और अगर ऐसी स्थिति बनती है तो क्या कुछ प्लानिंग आप लोगों की ओर से की गई है? देखिए, एक तो सिचुएशन ये है कि डिमांड जो क्रिएट होनी चाहिए, ओवरऑल डिमांड कई चीज़ों की तो बहुत अच्छी है ओवरऑल इंडस्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग की, और कई चीज़ों में बिल्कुल नहीं है, तो बहुत कम है। लोग डरे हुए हैं, जो जो ज़रूरत है वही लेते हैं, हाउस होल्ड की चीज़ों की जो नहीं चाहिए या जो बड़ी जिससे बिना काम चल सकता है वो नहीं ले रहे। वो थर्ड वेव से या अदरवाइज अपने लाइफ से, अपने सारे कह लो कि कंफर्ट्स में बाहर नहीं जाना चाहते, डरे हुए। वो शॉपिंग और नहीं कर रहे हैं किसी तरह की, जो बहुत ज़रूरत है वही कर रहे हैं। तो उसमें अगर गवर्नमेंट अपनी जो बाइंग है ऑफिसेज की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, जो पंजाब सरकार के PSU हैं उसमें कुछ बाइंग करे तो बहुत जरूरी है, वो एक अच्छा इंडस्ट्री को सर्वाइवल मिल सकता है। अभी रेलवे की बात करें, अभी जो बाकी PSU की बात करें तो जो बहुत जरूरी आइटम्स हैं वो ही अलाउड है उनको लेने के लिए। दे आर नॉट बाइंग एनीथिंग विच इज ऑन एंड एवरेज दे वर बाइंग एंड विच इज इन देयर बजट एंड विच इज इन देयर प्लान, दे हैव बीन स्टॉप नॉट टू बाय। सो उससे हमारी जो लोकल इंडस्ट्री है वो अच्छी नहीं चल रही है, और उसकी उसकी डिमांड बढ़ाने के लिए एक फंड फ्लो गवर्नमेंट को देना है चाहिए इंडस्ट्री को, और वो सेंट्रल गवर्नमेंट के PSU और गवर्नमेंट के जो बड़े बड़े अदारे हैं वही दे सकते हैं। मैं ये चाहूँगा, क्योंकि फंड फ्लो मार्केट में बहुत टाइट है, पैसा नहीं है किसी के पास,
उधार लेके लोन लेके लोन लेके पढ़ाई जाओ, उसके बाद थर्ड वेव आई तो लोग कहेंगे फिर हम कैसे सर्वाइव करेंगे, फिर 2 महीने इंडस्ट्री बंद होगी, 3 महीने बंद होगी, तो फिर ये यू नो वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव। सो ये बाइंग अगर गवर्नमेंट बेटर कर ले तो बहुत अच्छा है, नंबर वन। नंबर टू, गवर्नमेंट को चाहिए कि एटलीस्ट जो स्टैट्यूटरी हमारी रिक्वायरमेंट पूरी होती है, यू नो टैक्सेस हैं, जैसे हमारा ESI है, PF है, या हमारे स्टैट्यूटरी बैंक्स के इंटरेस्ट हैं, टर्म लोन के किस्तें हैं, वर्किंग कैपिटल है, उसमें हमारे को कुछ थोड़ा बहुत, अगर ये थर्ड वेव आती है तो दे, हमारे को कुछ उसका एक बफर दे दे, हमारे को एक इंटरेस्ट फ्री साल का टाइम दे दे, एटलीस्ट अगर माफ नहीं कर सकते तो साल का एक टाइम दे दें, ये आपके 3 महीने के पैसे जो है आप 1 साल बाद दे देना, आपको अभी तंग नहीं किया जाएगा, एंड दिस विल बी एडेड इन योर लोन, बट विल बी यू विल नॉट बी चार्ज इंटरेस्ट ऑन दिस, बट यू विल बी पेइंग इट आफ्टर 1 ईयर व्हेन दिस इंडस्ट्री विल बी नॉर्मल। तो ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे गवर्नमेंट को ऊपर अपना प्रेशर भी ना पड़े, क्योंकि हमारे को भी पता है गवर्नमेंट अपने डिफरेंट तरीके से चल रही है, वो कोई भी इंडस्ट्री को या नॉर्मल लोगों को, गरीब लोगों को, जिनके दिहाड़ीदार हैं, जो डेली वेजर्स हैं, इवन देन दे हैव नॉट गिवन यू नो एनी असिस्टेंस टू बाय गवर्नमेंट, तो उनको कुछ ऐसा एक जरूर एक रिलीफ देना चाहिए जिसमें उनका इंटरेस्ट का बर्डन या कोई स्टैट्यूटरी टैक्स का बर्डन जो है वो उसको माफ हो सके या उसको इंटरेस्ट फ्री हो सके अगले साल 1.5 साल के। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है जो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। ठीक है सचदेवा जी, आपके पास मैं रोचूंगा, ऑक्सीजन को लेकर मेरा सवाल भी आपसे रहेगा, क्योंकि बड़ी महत्वपूर्ण चीज है और आपने जिस तरह से लोगों की सेवा की है कि अपने आप में काबिले तारीफ है और सराहनीय काम है। कुचर साहब, उससे पहले मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ सर, इंडस्ट्री के लिहाज से हम बात करें, स्वच्छ पानी के लिहाज से हम बात करें, किस तरह की अपेक्षाएं आपको सरकार से है और अपने जो टेक्नोलॉजी आप उसको बढ़ाने के लिए किस तरह की उम्मीदें सरकार से कर रहे हैं, उसको प्रमोट करने के लिए आप और क्या कुछ एफर्ट लगा रहे हैं? मैं इसको दो पार्ट में आंसर करना चाहूँगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि हम सब परेशानियों की बात कह रहे हैं, लेकिन इसी दौर में कोविड में बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हुई, और उसको अगर मैं पॉजिटिव साइड से देखूं, तो दिस डिकेड मस्ट बी कॉल्ड एज अ डिकेड ऑफ डिसरप्शंस। सो कोविड एक्चुअली इज अ सोशल डिसरप्शन विच हैज हैपेंड। जो 90% businesses in India are family businesses, and in those family businesses har bachcha apni udaan leke nikla hua tha, family was totally disintegrated, aur covid ne un sabhi parivaron ko ikattha kiya, aapas mein time spend karne ka mauka diya, aur usse ek nayi wave, ek nayi energy, ek nayi urja ki hum ghar baith ke bhi vyapar kar sakte hain, हम ऑनलाइन जा सकते हैं। मैं आपको दो छोटे छोटे एग्जांपल देने चाहूंगा, दे आर नॉट रिलेटेड टू माय टेक्नोलॉजी, बट आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वी शुड सी द पॉजिटिव साइड ऑफ इट। मेरी डॉटर का अपना एक बुटीक है, शी इज अ डिजाइन बुटीक, और ड्यूरिंग द कोविड व्हेन एवरीथिंग वाज क्लोज, उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं क्या कर सकती हूँ। मैंने कहा देखो बेटा, मास्क की रिक्वायरमेंट होगी, एंड अंडरस्टैंडिंग द साइकिक ऑफ वुमेन, इफ यू कम अप विद डिजाइनर मास्क, और आज वो एक ग्लोबल प्लेयर है इस मास्क के डोमेन में, शी इज डन ए कंप्लीट डिसरप्शन इन दैट डोमेन। सिमिलरली माय सन केम अप विद अ प्रोजेक्ट जहाँ पे वो एक डिलीवरी कार्ट, ई कार्ट उसने तैयार की, जिसमें ही टेक्स ए कार्ट टू द कस्टमर्स रेजिडेंस डोर स्टेप, सो दैट दे कैन चूज एंड पिक वेदर इट इज ग्रोसरी और वेजिटेबल। सो इस तरह से मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी नई टेक्नोलॉजीज, इनोवेशंस के ऊपर भी काम हुए हैं, परिवार इकट्ठे हुए हैं। ऑनलाइन काम का बहुत एक चलन, जो पहले ऑनलाइन खाली एंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल होता था, आज फैमिली का हर मेंबर कुछ ना कुछ ऑनलाइन बेच रहा है। ठीक है, यानी कुचर साहब, ये माना जाए कि जागरूकता के साथ साथ कुछ नया करने की आवश्यकता भी है, और लोगों ने ऐसा करके दिखाया भी और हम आगे भी बढ़े हैं। लेकिन सचदेवा जी, बहुत आखिर में संक्षेप में आपसे मैं समझना चाहूंगा,
ऑक्सीजन को लेकर जो आप लोगों ने काम किया, आपने अपने स्तर पर जिस तरह से इनिशिएट लेते हुए लोगों तक ऑक्सीजन पहुंचाई है, फ्री में ऑक्सीजन उपलब्ध करवाई है, थर्ड वेव की आशंका में भी इस तरह की स्थितियां ना बने, या फिर थर्ड वेव आती है तो बच्चों को दिक्कतें हो सकती हैं, इस तरह का अंदेशा लगाया जा रहा है, तो उसको लेकर आपकी तैयारियां किस तरह से हैं? सर, हमारे 3 ऑक्सीजन प्लांट हैं पंजाब में, तो वी आर पायनियर इन दिस लाइन फ्रॉम लास्ट 28 ईयर्स, और जो सबसे बड़ा प्लांट है जहाँ पे भी मेरी ऑफिस है वो मोहाली में है, और ऐसा है कि एक तो पैनिक जो पिछली बार आया था वो इसलिए बहुत ज़्यादा आ गया कि वेव जो है वो बहुत ही तेज़ी से हफ्ते के अंदर अंदर 10 दिन में उसने इतनी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी कि ना तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और ना ही हमारे पास ऑक्सीजन की जो अवेलेबिलिटी थी उसको हम बैलेंसिंग कर पाए। इंडिया में ऑक्सीजन की कमी ज़्यादा नहीं है, लेकिन लोकेशनल प्रॉब्लम्स हैं, लॉजिस्टिक इश्यूज हैं कि जहाँ पे ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है वहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है, जहाँ पे नहीं है वहाँ पे रिक्वायरमेंट है। तो ये कभी किसी ने सोचा नहीं था कि ये इंडस्ट्रियल और मेडिकल ऑक्सीजन में इतनी शॉर्टेज आ सकती है, क्योंकि ये दोनों एक ही गैस है, इंडस्ट्रियल। ठीक है, यानी कुल मिलाकर जरूरत की चीजें हमारे पास है, लेकिन एक बेहतर मैनेजमेंट की आवश्यकता है। उस मैनेजमेंट के जरिए हम तमाम चीजों को, तमाम व्यवस्थाओं को और तमाम जो जरूरतें उनको हम पूरी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया कोचर साहब आपका, बहुत शुक्रिया सचदेवा जी आपका हमारे साथ इस ई अधिवेशन में शामिल होने के लिए और तमाम सारी अपनी बातों को रखने के लिए। जिस तरह की परिस्थितियां बनी है उस परिस्थिति में आप लोगों ने काम किया और यहां तक हम लोग पहुंचे हैं, वाकई में काबिले तारीफ भी है। और साथ ही जरूरत है तो जागरूकता ही, चाहे वो संक्रमण को लेकर हो या फिर हम किसी भी तरह से अपने स्तर पर किसी भी अभियान को चला सकें, लोगों को जागरूक करने के लिए, या फिर अपने स्तर पर एक ऐसी पहल कर सकें ताकि लोगों के चेहरे पर मुस्कान आए। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं इस सत्र से, और साथ ही चलते चलते एक अपील आपसे करूंगा कि आप जागरूक रहें, संक्रमण से बचे रहें, स्वस्थ रखें, अपना ख्याल रखें। नमस्कार।